नमस्कार भैया बहनी, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। रीवा शहर के बीच में ही स्थित स्लम बस्ती रसिया मोहल्ला में निगम के सफाई कर्मी और स्थानीय लोगन में ही जम के हाथापाई मारपीट और पत्थरबाजी है। अपना का बताई कि रसिया मोहल्ला माँ कुछ दिन पहले प्रशासन और नगर निगम पुरान अतिक्रमण होए के कारण कई मकानन और दुकानन का किराए के अपने कब्जा में लिंत है। यही माही बुधवार रात के अचानक सफाई कर्मी का वहाँ के लोग पत्थरबाजी और मारपीट करीन, जहाँ पुलिस के हस्तक्षेप के बाद एक स्थानीय का गिरफ्तार करके स्थिति का काबू में कीनगा। दुकान लगाने के ऊपर विवाद था कि ठेले लगाते हैं आपस में, तो यहाँ ना लगाओ उधर लगाओ, दूर दुकानदारी का एड्रेस हो रहा था, उसको लेके विवाद हो रहा था और इस पर पूरी तरीके से पुलिस ने कानून का काम करने की कार्रवाई की। सर, जानकारी निकल के आ रही कि अहाता को लेकर विवाद हुआ है, विवाद की वजह अहाता है जो शराब हवली है उसी को लेकर विवाद उपजा था। ये जानकारी पुलिस को उसमें नहीं आ रही, तो केवल एक पान का टपरा टाइप के लगाते हैं, बच्चों की गोली बिस्किट बेचते हैं, वो इसको लेकर है। एक साथी महिला ने जाके फिर बुलेटिन कल की खबर सिगरौली से भाई जाहिर। सिगरौली में ही बुधवार के सांझ के एक अनियंत्रित ट्रेलर वाहन नगर निगम के संविदा कर्मी का ठोकर मार दी, जोने वही संविदा कर्मी राजेंद्र सिंह के घटना स्थल में ही मौत हो गए। बतावा जाता भाई कि सड़क का पार करत समय यह हादसा हुआ। यह घटना के कारण स्थानीय लोग नाराज हमा काहे से कि कई साल से VIP रोड में कोल परिवहन से जुड़े वाहनन में ही प्रतिबंध है। एक बाद यातायात और नवा नगर पुलिस के लापरवाही के कारण कोयला परिवहन से जुड़े वाहन ही रास्ता में चले रहे हमा। बुलेटिन के अगली खबर मऊगंज थाना क्षेत्र से रही, जहां सेलार नदी के नियरे युवती का ही कार सवार बदमाश दिन दहाड़े अपहरण कर ली। अपना को बता दें कि युवती का बचावे खातिर परिजन दौड़े तो आरोपी उनके साथ मारपीट करके युवती का लेके भाग निकले। परिजन कुछ दूर तक पीछा करीन पे उनकर कहां पता नहीं चला, तब जाए के थाना में ही रिपोर्ट दर्ज कराई हुए। अपना को बता दें कि एक आरोपी राकेश उर्फ मोनी द्विवेदी के पहचान कर लीन गए हुए, बाकी के आरोपी के पहचान नहीं हो पाई है। वहां अपहरण की जानकारी लगता है हड़कंप मचा है, पुलिस आरोपी के तलाश शुरू कर रही है। आपका अधिकारी कहाँ से है आप? ढेरा से। क्या घटना हुई? तो पापा जी के पास फोन आया कि हम यहाँ से बोल रहे हैं थाना से, एसआई बोल रहे हैं थाना से। तो पापा बोले कि आज हम नहीं आ पाएंगे, कल लेके आएंगे, आज मेरी पूरी गाड़ी चली गई। तो बोले कि हम गाड़ी भेज रहे हैं। पापा बोले ठीक है, हम ना भेजिए, हम खुद ही आ रहे हैं। हम लोग आए यहाँ पथरिया, ये जो नहर तिलार नदी है वहाँ आए, तो चार गुंडे थे और एक मोनू था। एक मोनू बस को पहचाने, चार को नहीं पहचाने। वो हाथ पकड़ के पहले पापा जी का खींचा। किस गाड़ी में थे लोग? अब गाड़ी मेरे को नहीं पता, वाइट कलर की कार थी, अब कौन सी थी मेरे को नहीं पता। फिर? तो पहले पापा का पकड़ के हाथ खींचा, फिर हम लोग पापा को खींच दिए। हम बोले कहाँ ले जाओगे? तो फिर दीदी को, मेरी बहन को खींच के वो बैठा लिए, चार गुंडे बैठा लिए अगल बगल, वो चारों बैठ गए। मोनू गाड़ी चलाने लगे और वहाँ से लेके चले गए। रिपोर्ट की आप थाने में? हाँ, हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद गांव फरहदी के तालाब में ही पंचायत सेक्रेटरी दर्जनन प्रधानमंत्री आवास के निर्माण कराए दी। अपना बता दें कि तालाब माही अतिक्रमणकारी के खिलाफ नामजद शिकायत फरवरी 2021 में तत्कालीन सेक्रेटरी राज बहादुर यादव तहसीलदार से कराए रहे हम, पर एक साल के बाद कोनो मेर के कार्रवाई नहीं कीन गए और आज उन्हें दर्जनन अतिक्रमणकारी प्रधानमंत्री आवास के पक्का मकानन के निर्माण तालाब माही कराए रहे हम, जबकि इन सभी के लगे पट्टा के इनकर भूमि है। एक बाद पंचायत सेक्रेटरी अरविंद द्विवेदी 5 से 10 हजार रुपया लेके प्रधानमंत्री आवास हितग्राहीन का मकान शासकीय तलावन में बनबावत लहा। वहाँ रीवा के बजरंग दल द कश्मीर फाइल का बुक करके आमजनन खातिर निःशुल्क दिखावे के लाने रीवा के रॉयल सिनेमा का बुक करे हम, जहाँ आमजनन का ही निःशुल्क मा फिल्म दिखाई जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम किया है, एक सच पूरे राष्ट्र के सामने लाया है। कश्मीर में क्या स्थिति हुई, 4 लाख कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर छोड़ करके दिल्ली की शरणार्थी शिविर में रहने के लिए मजबूर हुए, उनके साथ कितना कितना अत्याचार हुआ है, उसको सच पूरे देश के सामने लाकर खड़ा किया है आज अनुपम खेर ने। तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं और मैं अपील करता हूं
कि उस समय कश्मीरी पंडितों के साथ जो दर्दनाक स्थिति हुई है, मैंने स्वयं कश्मीर में जाकर के 12 साल जाकर मैंने देखा है, मैंने कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द को सुना है। कभी किसी पिता के सामने बेटे को मार दिया, बेटे के सामने पिता को मार दिया, कितना अत्याचार हुआ है। आज भी वो दिल्ली के शरणार्थी शिविर पर रह रहे हैं। खबर से करौली से है, जहां के जिला गढ़वा के थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय का ग्रामीण अंचलन के थाना क्षेत्रन में ही लंबे समय से सकरी बकरी चोरन के गिरोह का ही पकड़े में ही बड़ी सफलता मिली है। गढ़वा थाना पुलिस और यूपी बॉर्डर में जुगैल पुलिस घेराबंदी के टाटा सफारी के साथ है, बड़ी मात्रा में ही कोरेक्स देसी कट्टा के साथ है, तीन आरोपी का गिरफ्तार कर ली नहीं भाई, जबकि दुई आरोपी फरार हो सफल हो गए, जिनकर तलाश की जा रही है। थाना गढ़वा थाना क्षेत्र में घोघरा गांव है, घोघरा गांव में राम नरेश बैस के यहाँ 28 जनवरी की रात में कुछ बदमाश पहुँचते हैं, उनकी बकरियाँ चोरी करने लगते हैं। घर में उनका भतीजा दिनेश पटेल की नज़र पड़ती है, वो गुहार मारता है तो उसके सीने में बदमाश चाकू से हमला कर देते हैं, चोट पहुँचा करके, और बकरियाँ जो लोड कर लिए थे लेके गाड़ी से भाग जाते हैं। गाँव वाले भी पीछा कर रहे थे, हम लोग पीछा कर रहे थे, तीन बदमाश अंततः पकड़े गए और उनसे पूछताछ हुई, तीनों बदमाश में दिलसाद खान कैंट के हैं। बुलेटिन की अगली खबर रीवा से रही, जहां शहर में ही पुलिस बुधवार का फ्लैग मार्च निकाल के होली में शांति व्यवस्था बनावे के लाने लोगन का जागरूक करी। ये दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एएसपी शिव कुमार वर्मा के साथ है शहर के सलगे थाना प्रभारी और पुलिस बल मौजूद रहा। होली के पर्व पर सबसे पहले तो जिला पुलिस बल रीवा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम इस अवसर पर अपील करते हैं कि होली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, इस दौरान किसी प्रकार के उद्दंडता से अभद्रता से बचें, किसी प्रकार भी नशे के सेवन से बचें और होली में हुड़दंग करने से बचें। हम लोग आपके साथ हैं, हम चाहते हैं कि आप सपरिवार मित्रों के साथ होली मनाएं और किसी प्रकार के ऐसी गतिविधियों में लिप्त ना हो जिससे पुलिस को आपके प्रति कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़े। तो हम पुनः आपसे अपील करते हैं पूरे पुलिस बल की ओर से कि कृपया ऐसे किसी गतिविधि में, नशे के सेवन में, हुड़दंग में, तीन सवारी बाइक चलाने में लिप्त ना हो और पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ शांतिपूर्वक सद्भाव से होली मनाएं। धन्यवाद। तो भैया बहनी, आज के बुलेटिन में इतना ही। बघेली में खबर देखा कलानी देखत रही है मारविंद के बघेली समाचार। एक के साथ है विराट 24 न्यूज के टीम के तरफ से सबई कलानी होली के हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।